अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब हैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको हैरियो आफियत में रखे, अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे। आज हम बनाएंगे अरवी, शोरबे वाली अरवी बनाएंगे। तो इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए, हमने ले लिए थे 3 प्याज, 2 चम्मच हम डाल देंगे घी। अगर आपके पास ऑयल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम फ्राई करेंगे इसको, प्याज को हल्का सा फ्राई हो जाने के बाद हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए लहसुन को प्याज में। उसके बाद हमने डाल दिए हैं 3 टमाटर। इसको भी मिक्स करेंगे, टमाटर को भी हल्का सा डालेंगे यहाँ हम पानी, कि टमाटर जो हैं हमारे गल जाएं। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच 1/2 टीस्पून नमक, 2 चम्मच हमने डाला है यहाँ लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून हल्दी। अपने स्पाइसेस को हम मिक्स करेंगे और थोड़ा हम हल्की आंच पे इसको भुनेंगे मसाले को। थोड़ी सी डालेंगे कलवंजी, मसाले को हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। और हमेशा आपने मसाला जो है हल्की आंच पे बनाना है। यहाँ हमने डाला है धनिया पाउडर 1 चम्मच, उसके बाद क्या करेंगे हम अरवी डाल देंगे। सारी अरवी को हमने पहले छील लिया था, छील लेने के बाद धो लिया था इसको। अरवी को हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसकी हमने लेसदार चीज़ है जो उसको ख़त्म करना है, और तेज़ आंच पे इसको हमने इसकी लेसदार जो चीज़ है वो ख़त्म करेंगे। जैसे भिंडी में होती है इसमें भी होती है। अब बीच में हमने डाला है 1 चम्मच गरम मसाले का रोस्टेड, उसको फिर हाथों से मसल लिया था। सिर्फ ये ज़ीरा है, पूरा गरम मसाला नहीं है। ज़ीरे को हमने तवे में भून लिया था और हाथों से मसल लिया था। मसाले को हम भूनेंगे इसमें, गरम मसाले को भी। उसके बाद हमने क्या करना है, 2 से 3 मिर्च काट लेनी है, हरी मिर्च वो डाल देंगे बीच में। अरबी को हम अच्छे से भूनेंगे। अच्छे से भून लेने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे 3 ग्लास, और इसको हल्की आंच पे हम रख देंगे 30 से 35 मिनट के लिए। देखें जी, हमारी अरवी हो चुकी है तैयार। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा।